नमस्ते डॉक्टर चाचा, आप कैसे हैं? नमस्ते मीना, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर चाचा। डॉक्टर चाचा, मेरे पास फिर से आपके लिए टीकाकरण के बारे में कुछ और सवाल हैं। मैं ठीक ठीक नहीं जानती कि उनका जवाब कैसे दूं, इसलिए मैंने सभी सवाल लिख लिए हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर मीना, पूछिए अपना सवाल। आप जानती हैं मुझे आपकी मदद करने में हमेशा खुशी होती है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी हो तो क्या वो भी टीका लगवा सकते हैं? हाँ, उन्हें जरूर लगवाना चाहिए। पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए टीके लगवाना विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि उन्हें कोरोना के कारण गंभीर बीमारी और मृत्यु होने का ज्यादा खतरा होता है। टीके लेने से उनकी सुरक्षा होगी। डॉक्टर चाचा, अगर किसी को हाई बीपी और शुगर है तो क्या होगा? जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जैसे हाई बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड की समस्या, हल्की एलर्जी या फिर यहाँ तक कि कैंसर, एचआईवी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वे सभी लोग टीके ले सकते हैं। समझ गई। और अगर कोई बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, उन्हें पहले अपना इलाज पूरा करना चाहिए और फिर उन्हें ठीक होने के 2 सप्ताह बाद टीका लगवाना चाहिए। अगर आपको सर्दी, बुखार और गले में खराश है तो आपको टीका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कोरोना की बीमारी हो सकती है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप ठीक होने के 3 महीने बाद टीका लगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चाचा, अब मैं आसानी से टीकों से जुड़े सवालों का जवाब दे सकती हूँ। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास और भी सवाल हैं तो आप जानती हैं मुझे कहाँ ढूंढना है। हाँ, इस खूबसूरत आम के पेड़ के नीचे।